दो महिलाओं ने मोनालिसा पर जानलेवा हमला कर दिया, पर क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। 28 जनवरी को लोरे पेरिस में हुए एग्जीबिशन में दो महिलाओं ने मोनालिसा की पेंटिंग पर सूप फेंक दिया ताकि वो फ्रांस की सरकार का ध्यान फूड इनसिक्योरिटी की ओर ले जा सके, ताकि भूख से बिलकते लोगों को उनका हक राइट टू सेफ एंड हेल्दी फूड मिल सके। वही मोनालिसा की बात करें तो ये पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे थी, तो सूप से तो क्या AK-47 से भी कुछ नहीं होगा। इस हमले की जिम्मेदारी फ्रांस के एक्टिविस्ट ग्रुप रिपोस्टे एलिमेंटरे ने ली है, जो कि फ्रांस में फूड इनसिक्योरिटी और किसानों के हक के लिए काम करता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।